बात है कि आपके पूरी पूरा जिला छावनी बना रहा आपके नदीम फारूकी के लिए, हिम्मत नहीं थी किसी की बात करने के लिए। गर्व की बात है कि मैंने मुख्यमंत्री ने मेरठ कराया, आप लोगों की दुआएं थी, बुजुर्गों की दुआएं थी। फरुखाबाद में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। थाना शमशाबाद के मोहल्ला दलवीर निवासी भाजपा नेता विजय कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया है कि जिला अध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी ने 4 नवंबर की शाम 7:30 पर एक राय होकर गाली गलौज कर अभद्र भाषण में टिप्पणी की तथा मार्ग अवरुद्ध किया, जिससे जनता में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। श्री गुप्ता ने आरोप लगाया है कि इस दौरान सपा नेता एवं कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री एवं पुलिस के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की है। एक राय होकर के गाली गलौज, अभद्र भाषा में टिप्पणी और रास्ता अवरुद्ध किया, जनता के बीच उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया और पुलिस और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अभद्र टिप्पणी की। इसके अलावा इसमें उकसाने वाली बातें और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बातें भी पाई गई। इस तहरीर के आधार पर थाना शमशाबाद पर मुकदमा अपराध संख्या 329/20, धारा 147, 149, 153 ए, 200। आपको बता दें कि बीते दिनों जमीनी विवाद में महिला ने नदीम अहमद फारूकी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने नदीम अहमद फारूकी को जेल भेज दिया था। उनकी लाइसेंसी पिस्टल व राइफल जब्त कर ली गई थी। 4 नवंबर को ही नदीम अहमद फारूकी जमानत पर रिहा हुए थे। द पंचौरा न्यूज के लिए फरुखाबाद से पुनीत मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।